हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाएंगे चॉकलेट मिल्क शेक। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक जार में ले लिया है 2 आइस क्यूब, और इसी के साथ मैंने इसमें डाला है 1 कप चिल्ड मिल्क, थोड़ा सा ये गाढ़ा दूध है। और इसी के साथ मैंने इसमें एक बड़ा चम्मच कोको पाउडर डाल दिया है, और ये 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर इसमें ऐड कर दूंगी मैं। और इसी के साथ इसमें जाएगा 2 बड़े चम्मच पीसी हुई चीनी, और ये 1 बड़े चम्मच हर्सिम सिरप मैं इसमें डाल दूंगी। अब इन सबको हैंड ब्लेंडर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास मिक्सी है तो मिक्सी में मिक्स कर लें, नहीं तो हैंड ब्लेंडर से भी बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इस तरह से आप बढ़ती गर्मियों में इसको बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी लगता है, बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है ये शेक। अब मैं यहाँ पे वनीला आइसक्रीम डालूंगी। तो मैंने मदर डेरी का ये ले लिया है वनीला आइसक्रीम, तो यहाँ पे मैं इसको आधा पैकेट डाल दूंगी, क्योंकि इसमें वनीला आइसक्रीम का टेस्टी इसके फ्लेवर को बहुत ज़्यादा अच्छा बढ़ाता है और इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा और थिक करता है। तो यहाँ पे मैं 7 से 8 स्कूप ले रही हूँ, और इसको थोड़ा सा चलाएंगे 1-2 मिनट तक, बहुत ज़्यादा हम इसको नहीं मिक्स करना है। बस देखिए मिक्स हो गया है। तो यहाँ पे मैं हर सीम सिरप को ग्लास में चारों तरफ से लगा दूंगी, थोड़ा सा अच्छे से डेकोरेट कर देंगे इसको, अब बहुत अच्छा लगा देखने में। तो बस चारों तरफ ऐसे ही कोने पर लगा दें, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और उनको तो ये शेक बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बच्चे क्या बड़ों को भी बहुत ज़्यादा ये पसंद होता है। देखिए हो गया। अब इसमें हम लोग ये ठंडा ठंडा चॉकलेट शेक डालेंगे। और इसके ऊपर से मैं 2-3 स्कूप डाल दे रही हूँ आइसक्रीम, और इस पर थोड़ा सा हर्सिम सिरप डाल देंगे। तो लीजिए ठंडा ठंडा चिल्ड ये चॉकलेट मिल्क शेक तैयार है। आप गर्मी में ज़रूर पीजिए और बच्चों को पिलाइए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी में। बाय बाय।